से हमारी ये खास कवरेज लगातार हम आपको पल पल की तस्वीर, पल पल की तैयारियों की पूरी जानकारी दे रहे हैं। अयोध्या की इस पावन भूमि से हम कहते हैं ये राम की भूमि है, ये विश्वास की भूमि है, ये त्याग की भूमि है और इस त्याग की भूमि पर अब करोड़ों राम भक्तों का सपना पूरा होने जा रहा है। जिन्होंने संघर्ष किया उनका ये 500 बरस पुराना सपना साकार होने जा रहा है, भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। लेकिन इससे जुड़ी हुई कई सारी पॉलिटिक्स, कई सारी राजनीतिक तस्वीरें भी हमने देखी, कई बयानबाजियां भी हमने देखी। कभी इसके मुहूर्त को लेकर बयानबाजी हुई तो कभी रामलला हरे रंग के वस्त्र क्यों पहनेंगे, हरे रंग को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी हुई। आखिर ये सब क्या हुआ, ये भी एक देखिए। शिलान्यास तो हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनने वाला है। 24 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन सियासत है कि मानती ही नहीं। मध्य प्रदेश की राजनीति में हारे हुए राजा और राजकुमार अब भी हकीकत समझने को तैयार नहीं। हताशा का आलम यह है कि दिग्विजय सिंह शिकायतों और हिकायतों में एक साथ डूबे हैं। कांग्रेस कभी मंदिर का ताला खुलवाने तो कभी शिलान्यास का क्रेडिट लेने को बेताब है। कमलनाथ जी ने कहा कि राजीव गांधी भी चाहते थे कि शिलान्यास होना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। शिलान्यास तो हो चुका है, राजीव गांधी जी कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह आज भी मानने को तैयार नहीं कि वो चूके हुए राजा हैं। दिग्विजय सिंह को अब कौन समझाए कि एक साथ दो नावों की सवारी नहीं होती। वो अपने गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का हवाला देकर भूमि पूजन के मुहूर्त पर सवाल उठाते हैं। सेकुलरिज्म की सियासत के हारे दिग्गी राजा अब चातुर्मास की बात करने लगे हैं, लेकिन उससे बड़ी बात जो दिग्गी पचा नहीं पा रहे हैं वो है मोदी के हाथों राम मंदिर का शुभारंभ। ये जो मुहूर्त निकाला गया है ये मोदी जी की सुविधा अनुसार निकाला गया है। आप देख रहे हैं किस प्रकार के घटनाक्रम हुए हैं, इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि चतुर्मास खत्म हो जाने दीजिए, शुभ काम में देव उठ जाएं, उसके बाद आप शिलान्यास करिए। आप खुद ही करिए, आप हम नहीं कहते कि आप ना करिए। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी जी को इस बात का भी एतराज है कि वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। दिग्विजय सिंह शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के जिस तर्क का हवाला देकर मंदिर के मुहूर्त पर सवाल उठा रहे हैं, पहले उसे समझ लीजिए। चातुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता। चातुर्मास यानी सावन, भादो, कुआर और कार्तिक। मान्यता है कि देवी देवता इस दौरान शयन मुद्रा में होते हैं। साधु संत भी इस दौरान एक ही जगह प्रवास करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म अलग अलग मान्यताओं का धर्म है। चातुर्मास को वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाता है। इसका महत्व शुभ कार्यों से ज्यादा संतों की जीवन पद्धति से है। वैसे भी स्वामी स्वरूपानंद जन्मभूमि आंदोलन से दूर ही रहे हैं। वो दिग्विजय सिंह की भाषा बोलते हैं या दिग्विजय सिंह उनकी, ये तय करना मुश्किल है। लिहाजा योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस की दुखती रग एक बार फिर दबाई, एकदम सटीक जगह दबाई और बड़े जोर से दबाई। हर एक व्यक्ति जानता है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य आजादी के तत्काल बाद श्री सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के साथ ही प्रारंभ हो सकता था, लेकिन जब लोगों के लिए देश से महत्वपूर्ण सत्ता हो जाती है तो वे लोग अपने राजनीतिक सत्ता के लिए जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, समाज को जाति, मत, मजहब के आधार पर बांटते हैं। विवाद खड़ा करने वाले अब ये सवाल उठा रहे हैं कि रामलला के लिए हरे वस्त्र क्यों? हरा रंग तो इस्लाम का रंग है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि हरा रंग हमारे तिरंगे में भी मौजूद है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने इन लोगों को करारा जवाब दिया। ये चारों ओर पेड़ आपको हरे दिख रहे हैं, क्या इस्लाम दिख रहा है? ये हिंदुस्तान की समृद्धि का प्रतीक है। जिस किसान के घर में हरियाली खेत में सूख जाए वो किसान की खेती खत्म, ये समृद्धि का प्रतीक है, ये प्रकृति का रंग है। जब आप रोज घुइया खाएंगे, आलू खाएंगे, डॉक्टर कहेगा हरी सब्जी खाओ, तो क्या इस्लाम खा रहे हैं आप? ये बेहूदी बातें हैं। कांग्रेस आज राम मंदिर आंदोलन में अपना हिस्सा तलाश रही है। ये बेगाने शादी में दीवाने की बांसुरी है। जिन राजीव गांधी को दिग्विजय सिंह शिलान्यास करने का श्रेय देते हैं,
दरअसल उन्हें जनता को पूरा सच भी बताना चाहिए। कांग्रेस को बताना चाहिए कि मजबूरियां थी कि शिलान्यास की भूमिका तैयार हुई, राजीव गांधी की इसमें क्या भूमिका थी। कांग्रेस को जानना और समझना चाहिए कि राम के काम में सियासत कोई विघ्न नहीं डाल सकती और न ही असामाजिक तत्व। इसलिए बेहतर यही है कि भगवान राम के भव्य मंदिर के भूमि पूजन पर सियासत छोड़ भक्ति में तल्लीन हो जाएं हम सब। रुचि कुमार, मीनाक्षी जोशी और पवन नारा के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, अयोध्या।